जो आपको सामने दिख रहा है सिंदूर का पेड़ है, तो ऐसा कुछ है सिंदूर का पेड़। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए कमाल के वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। तो आज बड़ा ही खास ये एक ब्लॉग है क्योंकि आज जा रहे हैं हम एक बड़ा ही धार्मिक स्थल पे, क्योंकि आज से एक साल पहले मैं गया था वहाँ पर। तो मम्मी आज भेज रही है जबरदस्ती की जाओ जाओ जाओ, बहुत दिनों से कह रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरी भी तबीयत थोड़ा डाउन थी, लेकिन अब थोड़ा सा सही लग रहा है। तो आज का मौसम भी ठीक ठाक कहेंगे, हर तरफ कोहरा कोहरा है, लेकिन बट कोई बात नहीं, आज हम जाएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे, आप सभी के दर्शन करवाएंगे। तो बताएंगे अभी चलते चलते कौन सा मंदिर है, कहाँ है, बहुत ही खास मंदिर है। अभी जस्ट मैं हूँ छतर मंदिर, छतर मंदिर देख रहे हैं जहाँ पर एक मेला लगता है। मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। आज हमारे साथ कौन आए हैं, पंकज भी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अब हम लोग चल रहे हैं। पंकज पहली बार जाओगे ना, तो धुले लाल पार्क से जस्ट नीचे आ जाएंगे, लोकेशन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बिना समय गवाए चलते हैं उस मंदिर को। फाइनली अब हम लोग उस मंदिर पे आ गए हैं, इसका नाम है गोमतेश्वर महादेव मंदिर, है ना। आइलैंड टेम्पल मैं अभी बताता हूँ किस वजह से मैं कहता था। और एक बात, यहाँ पर आने से पहले आपको जानना जरूरी है, आप लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन करने तो यहाँ पर यार फूल वगैरह प्रसाद वगैरह नहीं मिलते हैं ना, तो इस वजह से आपको आए तो भाई फूल प्रसाद वगैरह लेकर आए, तो मैं अभी प्रसाद ले लिया हूँ, फूल ले लिया हूँ, तो इसी वजह से मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। तो अभी चलते हैं, ये रहा गोमतेश्वर महादेव मंदिर। पंकज भाई हमारे आगे आगे चलते चलते, और ज़रा व्यू देखें आप सभी लोग, ये रहा नाव वगैरह यहाँ पर है। हम नाव से हम उस मंदिर की तरफ जाएंगे, और जैसे आप लोग आएंगे यहाँ पर शंकर जी का शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। प्रिंस मौर्य हैं, ये भगवान के दर्शन कर रहे हैं ना। तो ये रहा कुछ रास्ता ऐसा, है ना। पंकज भाई आगे चलते हुए, और हम भी चलते हैं, देखते हैं कोई नाव से हमें ले जाए। आग जल रही है, अरे दूसरी नाव में चलेंगे भाई, एक सेकंड पहले जाते नाव में जाते, दूसरी नाव में चलेंगे हम लोग, है ना। देख रहे हैं यहाँ नाव वगैरह है, मिनट लगेगा भाई, दो मिनट, देख रहे कितनी दूर है यह। ये है यहाँ का व्यू, छतर मंजिल वो दिख रहा है ना, पानी दिख रहा है ब्लैक कलर का, काला है यार थोड़ा। गोमती नदी ऐसे ही है, गोमती नदी अपनी ऐसी ही है। तो आप लोग आए तो यहाँ पर नाव से जा सकते हैं, जैसे वो लोग जा रहे हैं अभी, आप सभी लोग भी जाइएगा, हम लोग भी चलते हैं, नाव आ जाए बस। बता रहे हैं कि हमें डर लगता है नाव में यार, कभी गए नहीं हो क्या। अरे यार लखनऊ में ही नाव में सैर करने का मौका मिल रहा है तुम्हें भाई, तैरना ना आता हो ना, नाव में बैठना मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं आता, बट कोई नहीं, दर्शन करने जाना अच्छा ही होगा, है ना। और आइलैंड टेम्पल क्यों कहते हैं आज पता लगा, ये जो मंदिर है ना इसकी खास बात यह है कि नदी के जैसे बीचों बीच में, देख रहे हो बाउंड्री कैसे बन गई ये, नहीं पहले मुझे लगता है बहुत ही ऊंचा ये जगह, ऊंची जगह थी, धीरे धीरे सभी लोग जितने भाग थे धीरे धीरे करके इसको बनवाया है। तो तब के साल हम मैं आया था अकेले वीडियो बनाने, तो भैया जी मिले थे। तो कैसे हैं भैया जी आप? बढ़िया हैं। आज फिर से हम लोग दर्शन करने हैं पंकज भाई के साथ, चलें? ठीक है चलते हैं, ठीक है आइए। और पंकज भाई क्या लग रहा है? बढ़िया भाई, आराम से बैठो, हिल नहीं रहा। अरे हमको इतनी दूर जाना है, कितनी दूर है ही है, पास ही में तो है। पंकज भाई यहाँ बैठे हैं, बोल रहे हैं हमारी वीडियो बनाओ, लाइव वीडियो बनाते हैं तुम्हारी, हमारी नाव चल पड़ी। शिवरात्रि, अरे जो भी बता रहे थे उसको लगती है शिवरात्रि को सावन भर। अच्छा सावन भर लगेगा ना भाई, हमने सोचा कि कोई अगर सोमवार मन लगती है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, पूरी नाव घुमा के इस साइड हमको लेकर आएंगे, हमारी गोमती नदी देख रहे हैं। ये रहा अपोजिट साइड में शहीद स्मारक, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। ये रहे बतख इतने सारे, तो इस जगह की ये खास बात है कि हाँ आप सभी को बतख वगैरह बहुत सारी चीज। चोरी में खा रहा है
देख रहे हैं बतख वगैरह सब यहाँ बैठे हैं। इसको बनाओ। उतरने का वक्त आ गया है। गाना कौन तो बजाया भाई? आजा पंकज भाई, मैं आया था उस दिन 1.5 साल पहले आया था। ये रहा भाई, मैं भी हूँ। ये भी है। हेलो पंकज, नाव से आगे डर तो नहीं लगा? नहीं भाई, डर नहीं लगा। ये रहा मेन मंदिर है ना, चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। अंदर चलते हैं। शनि भगवान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ पर मंदिर है ना। सो देख लें, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ जब आप लोग आएंगे ना, नेचर से मिलने का मौका मिलेगा आप सभी लोगों को। देख रहे हो पंकज भाई, बता इतने सारी यहाँ बतखे हैं, टहल रहे हैं। नीला है आगे ना जाने, बहुत ज्यादा नीला, बहुत सारी बतखे हैं। आपको चलते ध्यान है, कबूतर भी है यहाँ पर है ना। यहाँ कबूतर अब बहुत सारे अनोखे अनोखे पेड़ भी हैं यहाँ पर। अनार के हैं, सिंदूर का पेड़ है भाई, आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं ये कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पर, और ये रहे कबूतर, देख रहे हैं। और कहेंगे खरगोश भी है, खरगोश ढूंढते हैं कहाँ है खरगोश। तब की बार आया था बहुत सारे खरगोश थे, अब पता नहीं कहाँ। ये रहा खरगोश, देख रहे इधर आ, बहुत ही प्यारा है खरगोश। पंकज ये तो भागता भी नहीं है यार। या कुछ खाने वाला नहीं है ना, मजा आया था, खाना चाहता है, काट ना ले यार, कुछ लगे मोड़ा ऐसा है। इसको हाथ में उठा सकते हो? तो कुछ कर भी नहीं। जो आपको सामने दिख रहा है सिंदूर का पेड़ है, केले के पेड़, सिंदूर का पेड़, और बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। देखने सिंदूर का मैं पहली बार पेड़ देख रहा हूँ, पता नहीं इसमें क्या लगे हुए हैं। आई थिंक फल है, अगर आप लोग जानते हैं कमेंट करके बताएं। आई डोंट नो क्या है, इसके बीच में जस्ट बीज निकल रहे हैं। भैया जी से मैंने पूछा तो बता रहे हैं सिंदूर का पेड़ है, तो ऐसा कुछ है सिंदूर का पेड़ यहाँ। सो गाइस, यहाँ का पूरा दर्शन वगैरह कर लिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस छोटा सा वीडियो था, हम पंकज भाई आ रहे थे, सोचा वीडियो बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन मैं सोचा चलो बना ले रहे हैं, चल रहे हैं। तो कैसा लगा वाला मंदिर? बढ़िया, मस्त बढ़िया था ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है क्या करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना है। हाँ, मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फूड कंटेंट के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।